किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको हैरोफिया से रखे और आप सब पर अल्लाह ताला अपना रहम और करम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से, आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्राइज़ भी कह सकते हैं, बैंगन और भिंडी के फ्राइज़, जो कि बहुत ही मज़े के और डिलीशियस बनते हैं। बच्चे वैसे सब्ज़ी ना खाएं तो इसको फ्राइज़ की शक्ल में बना के दें, वो बहुत ही शौक से खाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। आए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम करते हैं इनको तैयार। हमने एक भिंडी के चार चार पीसीस में काट लिया, आप दो भी काट सकते हैं। ये देखें इस तरह, अगर बड़ी है तो आप चार पीस कर लें, अगर छोटी है तो आप दो पीस कर लें। और बैंगन के भी हम इसी तरह फ्राइज काट लेंगे। इनको हमने काट लिया, सबसे पहले हम इसकी करेंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए हमने लिया 1 टेबलस्पून क्रश मिर्च, 1 टीस्पून लिया हमने नमक, 1/4 टीस्पून हमने लिए अजवाइन और 1/2 टीस्पून हमने लिया हल्दी पाउडर। इसको हम डाल लेंगे, दोनों को हम साथ ही करेंगे मिक्स। इसको हम इसके ऊपर डाल लेंगे और इनको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। पाउडर मसाले डालने के बाद अब हम शामिल करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस। इससे बहुत ही मज़े का और जायका आता है। लेमन जूस डालने के बाद इसको हम इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। सारे मसाले और लेमन जूस मिक्स करने के बाद अब हम शामिल करेंगे इसमें 1 से 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे हम बेसन और इसको हम कर लेंगे इसके साथ अच्छे से मिक्स। ये देखें हमने भिंडी और बैंगन को अच्छे से कर लिया मैरिनेट। मैरिनेट करने के बाद हम इसको आधा घंटा रखेंगे और बाद में हम इसको करेंगे ऑयल में फ्राई। भिंडी और बैंगन की मैरिनेशन हो गई है अच्छे से, अब हम करेंगे इनको फ्राई। फ्राई करने के लिए हमने लिए एक अदद कढ़ाई, कढ़ाई में हमने ऑयल डाला, ऑयल हमारा फुल गर्म हो गया। अब हम इनको करेंगे फ्राई मीडियम फ्लेम पे। ऑयल हमारा फुल गर्म है, हम इसको 1 सेकंड के लिए छेड़ेंगे नहीं क्योंकि इसकी कोटिंग उतरे नहीं। तो नाज़रीन ये देखें अब हम इनको हलाएंगे और इनको इतनी देर फ्राई करेंगे ये क्रिस्पी से गोल्डन हो जाएं। तो नाज़रीन ये बहुत ही मज़े के स्नैक, या आप इनको फ्राइज़ कह लें, बनते हैं चटपटे से। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करें और मज़ेदार सी फ्राइज़ या आप कह लें फ्राई भिंडी तैयार करें और मज़े से खाएं। ये बहुत ही झटपट सी बनने वाली डिश है। ये देखें बैंगन और भिंडी हमारी हो गई है अच्छे से फ्राई। इस तरह बच्चे भी बहुत ही शौक से खा लेते हैं इसको। अब इनको हम निकालेंगे। तो नाज़रीन आप भी बिल्कुल इसी तरह बनाएं और दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अब हम करेंगे इसको डिश आउट।